नमस्कार किसान दोस्तों, मैं हरीश यादव स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर मेरे सभी किसान दोस्तों का। जैसा कि मैं राजस्थान टूर में हूं और मैं है ना फील्ड पर निकला हुआ हूं, किसानों तक पहुंच रहा हूं। मेरा ये प्रयास है कि हम जो एक मुहिम चला रहे हैं कि किसानों से लेकर है ना जो बकरियां पालक हैं, वो जो नए बकरी पालक जुड़ना चाहते हैं उन तक माल कैसे पहुंचे है ना, उसके बारे में पूरी जानकारी लेकर आ रहा हूं। एक मेरी मुहिम है कि भाई किसानों से किसानों तक माल पहुंचे, इसमें किसी भी प्रकार का कोई बिचौलिया है ना फ़ायदे ना उठाए। जो हमारे प्योर किसान होते हैं, जो जंगल में बकरी पालते हैं, उनकी जो इतनी मेहनत होती है, एक बकरी के ऊपर इतनी लागत होती है, इतनी मेहनत होती है कि सुबह से लेकर शाम तक बकरियों को पालते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, मैं चारों तरफ आपको दिखाना चाहूँगा कि मैं जंगल में ही हूँ और मेरे साथ जुड़े हुए हैं है ना जो किसान हैं हमारे, वो राजस्थानी थोड़ा सा बोलेंगे, मारवाड़ी में बोलेंगे। आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ जाएगा। कोशिश करूंगा कि मैं भी उसको ट्रांसलेट करके आपको दिखा सकूं है ना, और आप लोगों को बता सकूं कि हम किस तरीके से यहाँ पर राजस्थान में किसान लोग बकरियाँ पालते हैं। तो दादाजी स्वागत है मेरे चैनल पर आपका, बोलिए बोलिए आप। अब ताड़ बोले बने तुम? हाँ हाँ बोलते जाइए। क्या बोलूँ, तो कितने सालों से आप बकरी पाल रहे हैं? बकरी पालतन तो हो गया 40-50 हो गया। 40-50 साल हो गए। तो सर मैं ये जानना चाहूँगा कि इसमें कौन कौन सी नस्ल की बकरियाँ हैं आप जो इसमें जो आप चरा रहे हैं? ये मारवाड़ी सिरोही है। सिरोही सिरोही। और कौन कौन सी है? जैसे ये जो दिख रही हैं ये कौन सी है? ये सोजत है। और जो पीछे दिखाई दे रही हैं? पीछे गुजरी। ये गुजरी है। गुजरी। तो ये जानना चाहूँगा कि आप कितने दिनों के लिए, मतलब कितने देर से यहाँ पर हैं, कितने पहले आ जाते हैं, कितने सुबह आप यहाँ पर आ जाते हैं? ये हम तो आ जाए 9 बजे 8 बजे खोल दें। 8 बजे यहाँ पर आ जाते हैं और कितनी देर बाद जाते हैं घर? 5 बजे बाद में। 5 बजे बाद में, मतलब टोटल अगर जैसे हम देख रहे हैं कि जो बकरियाँ हैं वो टोटल ग्रेजिंग के ऊपर निर्भर हैं है ना। तो जो भी किसान भाई अगर देख रहे हैं तो इस तरीके से अगर किसान से वो बकरियाँ लेता है और वो तुरंत जाकर अपने यहाँ पर स्टॉल फीड पर पालना शुरू करता है और वहाँ पर वो चूक जाता है, तो जैसे कि ये पूरे मतलब 8 से लेकर शाम को 5 बजे तक टोटल फील्ड पर ही रहते हैं, तो अगर इस तरीके यहाँ से आप बकरियाँ लेकर जाते हैं या इन बकरियों को लेकर जाते हैं आप या कहीं से भी बकरियाँ लेकर आते हैं, तो आपको भी कम से कम 4 से 5 घंटे के लिए स्टॉल फीड पर है ना रखने से पहले आपको क्या कोशिश करनी पड़ेगी, आप बाहर चराने के लिए जाएँ है ना। 10 दिन महीनों का समय लगता है, धीरे धीरे करके बकरियाँ आपकी स्टॉल फीड पर आती हैं। सर मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या क्या खिलाते हैं आप इन्हें? ये हम तो जंगल में चराते हैं। जंगल में क्या क्या, जैसे ये पेड़ जो दिख रहे हैं आपको, ये खेजड़ी बांट है, ये खेजड़ी है, इस तरफ दिखाइए, इस तरफ ये जो दिख रहा है खेजड़ी, ये खेजड़ी का पेड़ है ना, लौंग पत्ती इसी को बोलते हैं, ये लौंग। देखिए आप लोग खेजड़ी इसको आप लोग काट काट कर खिलाते हैं, मैं वो वीडियो भी आप लोगों के साथ लेकर आऊँगा जब ये इस पेड़ पर चढ़ते हैं है ना, इसको काटते हैं और फिर बकरियाँ जो हैं वो खाती हैं। आप एक बार बकरियों की तरफ इशारा करिए, नज़ारा दिखाइए कि कहाँ पर वो बकरियाँ चल रही हैं। ये क्या क्या, जैसे आप देख रहे हो कि क्या क्या खाती हैं ये? फिर ये गुगरा है ऊँट का। अच्छा, ये चारा खाती है लीला थोड़ा। क्या बोलते हैं इसको? गुगरा। गुगरा गुगरा बोलते हैं जी। और फिर इन्हें यहाँ से ले जाने के बाद शाम को आप क्या खिलाते हैं इनको? शाम का बंटा बांटा दाना। दाने में क्या क्या देते हैं जो इस तरीके की बकरियाँ ऐसी तैयार हो? इतनी खूबसूरत बकरी आप लोग देख रहे होंगे, इस तरीके की बकरी तैयार करने के लिए आप क्या क्या खिलाते हैं? हम ये दवाई देते हैं थोड़ी बहुत। हाँ हाँ, बंटा देता है। बांटे में क्या क्या देते हैं? बंटा दो, ये मक्की का और कहना काकड़ा का। ये बंटे देता हूँ। ये कितना देते हैं, एक बकरी कितना खा लेती है? बकरी आधा किलो। आधा किलो है ना, अलग अलग उम्र के हिसाब से है। जैसे छोटी बकरी है तो कम खाएगी छोटी है ना, बड़ी तो बकरी है तो ये है, और बच्चा देने वाली बकरी है तो वो अलग खिलाएगी है ना। तो जो भी किसान भाई इस वीडियो को देख रहे होंगे उनको ज़रूर इस बात से प्रेरणा मिलेगी कि जैसे कि ये किसान बिल्कुल एकदम सजग रहते हैं, बकरियों के साथ लगे रहते हैं और बकरी पालन
में जब आप इस तरीके से जूझेंगे, है ना, उनको खाने से लेकर पीने से लेकर किस किस तरीके से आपको टाइम मैनेज करना होता है, जैसे ये दिन भर अगर यहाँ पर लेकर आते हैं तो इनके साथ जुड़े रहते हैं, पत्तियाँ खिलाते हैं इनको, शाम को ले जाने के बाद इनको दाना भी देते हैं, तो इतनी मेहनत लगती है बकरी पालन में, तब कहीं जाकर आपको जो है इस तरीके की बकरियाँ जो हैं वो बनती हैं, है ना। मैं लास्ट में आपसे ये जानना चाहूँगा कि अगर कोई भी किसान भाई अगर मान लीजिए आपसे जुड़ना चाहता है तो किस तरीके से वो आप तक पहुंच सकता है, जैसे जो ज़्यादातर मुझे जो वीडियो देख रहे होंगे वहाँ से जो देख रहे हैं, है ना, तो उनके पास आपको कोई कॉन्टेक्ट नंबर तो होता नहीं है, नहीं। तो वो आपके यहाँ पर आ सकता है, तो ये कहाँ पर है अपन ये बता दीजिए, ताकि आपकी लोकेशन पर कोई अगर आना चाहता है तो वो आ जाए। ठीक है, कहाँ से बोल रहे हैं आप? या हम तो अजमेर ज़िला, हाँ, गाँव जाकुड़ाई। जाकुड़ाई से, जैसा कि मैंने बताया था कि मैं जाखोलाई को कवर कर रहा हूँ, खास करके शिवराज सिंह जी के जो गोट फार्म है, ग्रीन टेक गोट फार्म जो है, मैं उनको कवर कर रहा हूँ, उनसे लगे हुए जो फील्ड हैं, मैं ग्राउंड लेवल पर आया हूँ कि किस तरीके से बकरी पालन जो होता है, हमें ये किसान मिले हैं। एक बार अपना नाम बता दीजिए सर। नाम सुबह, है ना, और ये काफ़ी दिनों से बकरी पाल रहे हैं, 40 से 50 साल इनको बकरी पालन करते हुए हो गया, तो मैं शिवराज सिंह जी का भी, है ना, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इनसे मिलाया और ग्राउंड लेवल पर आया। देखिए आपको इतनी खूबसूरत बकरी जो है मिलती है और तैयार करते हैं, कितनी मेहनत रहती है, सुबह से लेकर शाम तक आपको समय पूरा देते हैं, है ना, तभी जाकर इस तरीके की बकरियाँ जो हैं वो तैयार होती हैं, है ना। अब मैं आपको ये भी वीडियो इसमें साझा करूँगा किस तरीके से ये, है ना, आपको जैसे आप देख रहे हैं फील्ड पर ये जुड़े हुए हैं, लगातार लगे रहते हैं, पत्तियां काट कर खिलाते हैं, मैं वो वीडियो भी दिखाऊंगा किस तरीके से बकरियां बड़े चाव से खाती हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये जो राजस्थान में बकरी पालन है, जो हमारा वीडियो का टाइटल ही था कि राजस्थानी बकरी पालन, है ना, इसके ऊपर मैं जो हमारा कॉन्सेप्ट है, हमारे किसानों का जो कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपके तक लेकर आया हूँ। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।